वेलकम टू टेम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था। अब यहाँ पढ़ना है कि स्टेट ऑफ मैटर का जो सेकंड स्टेट होता है उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। अब इसमें हमको एक्टिविटी 1.10 के बारे में पढ़ना है। तो इसमें अब देखते हैं यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला तो हम क्या करना है कि कुछ हमको लिक्विड ले लेना है। जैसे हम ले लेते हैं ऑयल ले लिए, वाटर ले लिए, ETC, इस तरह के कुछ लिक्विड ले लेंगे सबसे पहला। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ कंटेनर लेना है। यहाँ पे कंटेनर लेते हैं, जो कंटेनर का शेप होगा सबका शेप अलग अलग होगा। ठीक है, ये शेप हो गया, ये शेप हो गया, ठीक है, और उसके अलावा ये शेप हो गया। ठीक है, तो ये कंटेनर का कंटेनर लिए जिसमें अलग अलग शेप का लिए। साथ में क्या करना है, ये वाटर या ऑयल लेना है, ये हमको लेना है हमें 50 ml का। ये हम ले लेते हैं 50 ml। और साथ में ये जो दूसरा है स्टेप, इसमें जो भी कंटेनर है इस सब पे क्या करना है, 50 ml पे मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस पर 50 ml मार्क लगा देते हैं। अब इसका ये जो एरिया है इसका, ये ज़्यादा है तो इसका 50 ml यहाँ पे आएगा, इसका एरिया कम है तो इसका 50 ml थोड़ा सा ऊपर तक आएगा, ये मार्क है इसका। इसका यहाँ पे आता है, इसका यहाँ पे आएगा, तो ये 50 ml का मार्क हो गया। ठीक है, सभी में लगा दिए। अब करना क्या है तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्या करना है, इस ऑयल को या वाटर को कोई भी एक लेते हैं 50 ml का, इसको हम क्या करते हैं फ्लोर पे ज़मीन पे गिरा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ज़मीन पे गिराने पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा फैल गया ज़मीन पे। ठीक है, तो इस फैलने से क्या पता चला कि इसमें इसके अंदर क्या होता है, फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि ज़मीन पे फैल गया तो इससे क्या पता चला कि फ्लो की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, 50 ml सबसे पहले इसमें गिरा दिए। ठीक है, उसके बाद इसमें गिराने के बाद इसको यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे देखें, फिर यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किए। तो सारी जगह ट्रांसफ़र करने पे हमें क्या दिखा कि जब भी जैसे इसमें गिए तो इसमें जो वाटर या ऑयल था जो 50 ml था इसी मार्किंग पे आके रुक जाता था, इस लेवल तक ये आता था। ठीक है, जब यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र किया तो इसका लेवल यहाँ तक आया, इसका फिर इसमें यहाँ पर आया, इस पर यहाँ पर आया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जो इसका वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम होता है फिक्स, वॉल्यूम होता है फिक्स, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शेप में अगर रख रहे हैं तो इसका शेप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम फिक्स था लेकिन जो इसका शेप था वो शेप फिक्स नहीं होता है, शेप नॉट फिक्स। तो इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, शेप नॉट फिक्स। तो ये चीज़ें पता चली फोर्थ स्टेप में। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक चीज़ और देखेंगे इसमें कि जब इसको यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या आसानी से ये ट्रांसफ़र हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें से इसमें चला जा रहा है। तो अगर ईजिली ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फ्लो की प्रॉपर्टी, बहुत आसानी से ये फ्लो हो सकता है। तो इसका पता चला कि ये फ्लो बहुत ईजिली हो सकता है। ठीक, अब ये फ्लो ईजिली कर रहा है, आसानी से फ्लो कर दे रहा है, तो इसमें क्या है जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं फ्लोट की प्रॉपर्टी, तो बोलेंगे फ्लूड, इसलिए इसका नाम आता है फ्लूड, क्योंकि इसमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, इसे लिक्विड को फ्लो कहते हैं, फ्लूड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसकी एक्टिविटी 1.10, और उससे हमें क्या मिला, लिक्विड जो था लिक्विड स्टेट के, इसके बारे में डिटेल पता चला। क्या क्या डिटेल पता चला कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है, उसके अलावा इसमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है और इसको फ्लूड, इसलिए इसको फ्लूड कहते हैं। इसके अलावा दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड को अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, आसानी से इजीली मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चला, इसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। अगला पता चला इसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड स्टेट का। अब हमें यह भी देखना है कि एक्टिविटी 1.4 जो कराया गया था, एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी 1.5, तो इसमें क्या कराया गया था कि सॉल्ट को ले लिया गया था, या फिर सॉल्ट ले लेते थे, या फिर क्या ले लेते थे, KMnO4 या फिर CuSO4। तो ये सारा क्या था, ये सारा था सॉलिड। अब इसको जो है अगर मिलाते हैं लिक्विड के अंदर तो क्या होता था, ये मिल जाता था। इससे क्या पता चला कि सॉलिड जो होता है वो भी क्या होता है, लिक्विड में डिफ्यूजेबल होता है। तो सॉलिड को भी लिक्विड में क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं या फिर इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा कि सॉलिड और लिक्विड ये भी आपस में क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो एक चीज़ ये पता चला एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी 1.5 से। तो इसके अलावा क्या होगा कि लिक्विड के अंदर गैस भी आकर डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो लिक्विड में एक और डिफ्यूजन कर सकते हैं, किसका, गैस का। ठीक है, गैस को डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। अब इसका यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं कि जो है गैस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज है, तो दो बहुत कॉमन जगह है जिसको आपको नाम बताते हैं, जैसे इक्वेटिक एनिमल होते हैं,
मछलियाँ हैं ये सब है, ये क्या होता है पानी के अंदर होते हैं, तो उन्हें सांस लेना है, और सांस लेने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो होता है इस वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व होता है, और उसी वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में यूज करती हैं जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है कोल्डिंग का। तो कोल्डिंग के एग्जाम्पल में क्या होता है कि जो कोल्डिंग की बोतल होती है उसके अंदर जो लिक्विड होता है, सोडा जो होता है, जो इसके अंदर सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, इस सोडा वाटर में क्या भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और सोडा वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसके अंदर भी ये भरा जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल है कि एक्वेटिक एनिमल्स का है कि ऑक्सीजन जो है वाटर में मिल जा रहा है, दूसरी चीज़ है कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व हो सकता है और गैस भी डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये पूरा था ओवरऑल लिक्विड स्टेट के बारे में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, एक बार दोबारा रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी था कि ये फ्लो की प्रॉपर्टी रखता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इजीली फ्लो कर सकता है। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, डिफ्यूजन में भी क्या कर सकता है, ये सॉलिड भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर सकता है, उसके अलावा गैस भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर सकता है। तो ओवरऑल था लिक्विड स्टेट के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ाया जाएगा।